शशांक जी, चीन जो है वो सिर्फ टेरिटोरियल क्लेम नहीं करता, वो साइकोलॉजिकल वॉर भी छेड़ता है। और हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में साइबर अटैक किया, और ऐसे हमलों की आशंका जताई जा रही है कि वे दूसरे देशों पर भी कर सकता है, भारत पर भी इस तरह के हमले कर सकता है, तो हमें उससे तैयार रहने की जरूरत है क्योंकि वो हर लेवल पर लड़ाई छेड़ता है। अब देखिए, भारत में ये हमारी अपनी कमजोरी रही है कि हालांकि साइबर अटैक्स के लिए हमने काफी अपने जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं उनको काफी तरीके से इंसुलेट कर रखा है, लेकिन फिर भी अगर एक तरीके से भारत में आम जनता के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, अगर हमारे जो नेटवर्क्स हैं, पब्लिक नेटवर्क्स हैं, वो हैक कर दिए जाते हैं या कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है, जो एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र बना हुआ है साइबर अटैक्स के लिए, तो उसमें उन्होंने जो है कोशिश करी है कि किस तरह से खाड़ी के देशों के रिश्ते जो भारत के साथ में खराब किए जाएं, और बार बार उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि भारत जो है वो एंटी मुस्लिम कंट्री है या एंटी अरब कंट्री है। तो ये जो है इस तरीके के हमले जो है वो रिश्तों को, हमारे रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, एक तरह के डायवर्शनरी ये टैक्टिक्स होती है, उनको फायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम समझते हैं कि इसकी वजह से भारत को जो है अपने कैपेबिलिटीज को हर दिशा में और बढ़ाने की आवश्यकता है, और जितने भी प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, प्राइवेट हमारे जो कैपेबल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको साथ में लेकर चलने की जरूरत है कि वो पूरे तरीके से इमीडिएटली आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इसमें हर बार देखा गया है कि इसमें जो यंगस्टर्स होते हैं वो कहीं ज्यादा इसमें साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए भारत को खाली अपने जो सीनियर इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं, बल्कि वो जो है इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाना होगा कि पूरे देश के अंदर कोई कोई भी अगर ये देखता है कि किसी तरह का साइबर अटैक कहीं हो रहा है, और हमारे रिश्ते भी और देशों के साथ में ऐसे हों कि उनके साथ में भी हम अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें, जिससे कि हम इस इमीडिएटली साइबर अटैक को रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे इतने बड़े वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब, उनमें नुकसान हो सकता है, और भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम किसी तरीके से भी अपने को जो है अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स पे हार्म ना होने दें।